स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। मैं सोनू और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल के बारे में जो कोलकाता में बन रही है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल बनकर तैयार होने वाली है। इस टनल का काम हुगली नदी के नीचे कोलकाता में किया जा रहा है और इसके बनते ही यह भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल बन जाएगी। यह टनल कॉरिडोर नदी के लेवल से 33 मीटर नीचे बनाया गया है और यह हावड़ा से कोलकाता को जोड़ेगा। कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन का निर्माण कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अर्थात KMRCL द्वारा किया जा रहा है और इसमें अंडरवाटर टनल है जो हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरेगी और 2023 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करें तो यह मेट्रो लाइन हावड़ा से कोलकाता तक है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 16.6 किलोमीटर है और इसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है और इस प्रोजेक्ट में 520 मीटर लंबी एक अंडर वाटर टनल है जिससे मेट्रो होकर गुजरेगा और इसमें पैसेंजर एटलीस्ट एक मिनट तक अंडर वाटर मेट्रो का आनंद ले सकेंगे। इस मेट्रो का निर्माण दो फेज में किया गया है। कोलकाता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट जो सॉल्ट लेक स्टेडियम से हावड़ा मैदान तक फैला हुआ है। फर्स्ट फेज में सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से सॉल्ट लेक स्टेडियम के बीच 5.6 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन है। इस लाइन पर करुणामयी, सेंट्रल पार्क, सिटी सेंटर और बंगाल केमिकल मेट्रो स्टेशन मौजूद है। सेकेंड फेज में 11 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड मेट्रो का कार्य किया जा रहा है और इसी सेक्शन में एक टनल का निर्माण भी किया गया है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इसमें कुल 8,575 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इस मेट्रो के कम्प्लीट होते ही 9 लाख पैसेंजर्स प्रतिदिन सफर कर सकेंगे और यह मेट्रो ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इस मेट्रो की आधारशिला 2017 में रखी गई थी और इस कार्य के लिए टनल बोरिंग मशीनें जर्मनी से लाई गई थीं। मेट्रो की सवारी करने वालों को पानी के अंदर का नज़ारा देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि टनल कंक्रीट से बनाई गई है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट में 74% हिस्सा भारतीय रेलवे के पास है और 26% आवास मंत्रालय के पास है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।